TVS Apache RTR सीरीज भारतीय बाजार में साल 2005 में आई थी और 2018 तक चलते चलते इस कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स किए और साथ ही इसके भारत में 38 लाख से ज़्यादा ग्राहक मौजूद हो गए। और अब साल 2019 में कंपनी ने TVS Apache RTR 4V सीरीज में काफ़ी कुछ बदलाव किया है। ऐसे ही एक बदलाव के साथ मेरे पास मौजूद है TVS Apache RTR 204V। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज मैं इस बाइक को चलाने आया हूं TVS के हुजूर प्लांट में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें नया और कहां हमें ये फीकी दिखती है। Apache RTR 204V दिखने में एंट्री लेवल नेकेड स्पोर्ट बाइक की तरह लगती है और कंपनी ने इसे प्रीमियम बनाने के लिए नए LED हेडलैम्प और बेहतर क्वालिटी वाले प्लास्टिक्स की सराउंडिंग दी है, जो कि इसे एक अलग रूप देते हैं। पुराने मॉडल के मुकाबले ये दिखने में काफी अलग नजर आती है और इसमें कंपनी ने काफी सारे नए एलिमेंट्स ऐसे दिए हैं जो इसे पूरी तरह एक प्रीमियम बाइक का रूप देते हैं। BS6 वाले इस मॉडल में कंपनी ने फ्यूल टैंक पर नए ग्राफिक्स दिए हैं, जिसके चलते आपको ये दिखने में पूरी तरह एक स्पोर्टी लगेगी। हमने टेस्ट राइड के दौरान इसका ग्लॉसी ब्लैक कलर वेरिएंट चलाया, जो इस बाइक पर काफी ज्यादा प्यारा लगता है और वाकई सड़कों पर चलते हुए भी ये कुछ ऐसा लगेगा कि लोग इसे पलट पलट कर देखना पसंद करेंगे। नई RTR 204V को प्रीमियम लुक देने के लिए कंपनी ने क्लॉ शेप वाली डे टाइम रनिंग लाइट्स दी हैं। इसके अलावा नए अपाचे RTR 204V में सोइल स्टाइल एलॉय व्हील डिजाइन दिया है, जो इसे पूरी तरह एक स्पोर्टी लुक तो देते ही है और ये पूरी तरह प्रीमियम भी लगती है। कुछ महीनों पहले TVS ने अपने अपाचे 200 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल किया था और अब RTR 204V में एक रेसिंग बाइक की तरह रेस टेलीमेट्री, टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ क्रैश अलर्ट भी शामिल कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें लीन एंगल मोड भी दिया है, जो कि आप प्रीमियम स्पोर्ट बाइक में देखते हैं। ये सब आपको TVS की स्मार्ट एक्सोनेक टेक्नोलॉजी के जरिए मिलता है, जिसके चलते आप अपनी अपाचे को ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक में मिलती है। इतना ही नहीं, नई RTR 204V एक ऐसी बाइक है जिसमें आप लैप टाइम, टॉप स्पीड और इनकमिंग कॉल जैसी जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। TVS Apache RTR 204V में मिलता है 200cc का BS6 इंजन और यह इंजन 7500 RPM पर 16.8 Nm का टॉर्क और 8500 RPM पर 20.5 PS की पावर देता है। इंजन 5 स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है और ये स्लीपर क्लच असिस्ट के साथ आता है। तो आइए जानते हैं कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग। इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है और इसका एग्जॉस्ट नोट भी आपको पूरी तरह स्पोर्टी सुनाई देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इंजन BS6 होने के साथ ही अब काफी ज्यादा रिफाइनमेंट के साथ आता है और इसकी पावर में भी किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती। 100 km/h की रफ्तार पकड़ने में भी आपको हाई रेव पर एक मजेदार राइडिंग का अनुभव देती है और वाइब्रेशन की भी आपको इसी स्पीड पर कोई समस्या दिखाई नहीं देती। इसके अलावा इसमें दिया गया स्लिपर क्लच ट्रैक के लिए बाइक को पूरी तरह फीचर्स पैक्ड बनाता है। पुराने मॉडल के मुकाबले कंपनी ने इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी बेहतर बनाई है और 80 से 0 km/h पर आप आसानी से स्टॉप कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बाइक अपने सेगमेंट में पावरफुल और सुरक्षित नजर आती है। कॉर्नरिंग के दौरान भी आप इस बाइक को आसानी से लीन कर सकते हैं और सबसे खास बात, कंपनी ने इसमें यूरो ग्रिप रेसिंग वाले रेडियल टायर्स दिए हैं, जो कि एक बेहतर ग्रिप देते हैं। BS4 मॉडल के मुकाबले 2020 TVS Apache RTR 204V अब ₹10,000 ज़्यादा महंगी हो गई है, यानी कि अब इसकी कीमत है ₹1,24,000 एक्स शोरूम। मेट्रो शहरों में ट्रैफिक को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने Apache 4V सीरीज़ को अब GTT यानी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया है, यानी अब RTR 164V के अलावा RTR 204V भी इस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसके चलते आप बिना एक्सेलरेट करे ट्रैफिक में आसानी से 6 से 7 km/h पर क्रूज कर सकते हैं और इस तरह का फीचर आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार में देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, कंपनी इसमें ऑफर कर रही है BS6 इंजन, जिसके चलते पुराने मॉडल के मुकाबले ये पहले से ज्यादा रिफाइनमेंट और पावरफुल भी लगती है। तो दोस्तों, अगर आप इन दिनों एक ऐसी बाइक की तलाश कर रहे हैं जो कि एक काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल के साथ हो और साथ ही नए डिज़ाइन के साथ आए, तो आप TVS Apache 204V को कंसिडर कर सकते हैं।